हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, यहाँ पे ओट्स बना रही है बड़ी वाली बेटी मेरी। सो चॉकलेट ओट्स है, मीठा वाला। ये मीठा होता है लेकिन उतना नहीं, थोड़ा थोड़ा होता है। और ये मैं सत्तू घोल रही हूँ यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए। वो मॉर्निंग में सत्तू ही ज़्यादातर पी के जाते हैं, ये नाश्ता नहीं करते हैं उतना। तो ये देखिए, दिन लोग ओट्स तैयार हो गया दोनों का। ये दोनों ओट्स खा रहे हैं। क्या हुआ तेरे, अच्छा नहीं लग रहा है? चीनी नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए खराबी होता है। मीठा नहीं लग रहा है? नहीं। दीदी कैसे खा रही है? कड़वा भी खाती है। कड़वा भी खा लेती है? कम चीनी खाती अच्छी बात है ना, तुम्हें भी तो कम खाना चाहिए। तुम चीनी लेगी? अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे? अच्छा ठीक है, देती हूँ मैं। दोपहर का लंच बना रही हूँ। लंच में मैंने अरहर का दाल, आलू पोस्तो और सूखी मसाला भिंडी बनाई है। और यहाँ पे आलू पोस्तो बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले लिया है। और ये जो दाल है वो पक चुकी है, दूसरी तरफ कुकर में मैंने चढ़ा दिया था। और तेल गर्म हो गया है कढ़ाई का, उसमें मैंने थोड़ा जीरा डाला है और हरी मिर्च, बस इतना ही डालना है, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। और उसमें आलू डाल देंगे और 5 से 7 मिनट तक उसे लाल होने तक ढक ढक के पकाएंगे। उसमें मैंने नमक भी डाल दिया ताकि वो पक जाए अच्छी तरह से। ये देखिए, अच्छे से लाल भी हो गया, आपको देखिए दिख रहा है ना, अच्छी तरह से लाल हो चुका है आलू। और इसे मैंने पोस्तदाना पीस के रखा था, वो डाल दिया। पोस्तदाना को थोड़ा देर भिगो के पानी में छोड़ दीजिएगा 5 मिनट, उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बना लीजिएगा। तो वो मैंने पीस के रख लिया था और फिर लास्ट में मैंने उसे मिला दिया। और थोड़ा सा मैंने मिर्च पाउडर दिया, वो आप चाहो तो दो, नहीं भी दे सकते हो, लेकिन मैंने दिया है। दाल में तड़का लगा रही हूँ, तो तड़का में मैंने लिया है सूखी मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा जीरा। और तेल गर्म हो गया है, उसमें मैंने सूखा मिर्च, जीरा, लहसुन डाल दिया है। वो देखिए तड़का जल भी गया। और उसे हम छौंक लगा लेंगे दाल में। दाल में छौंक लगा लिया है। मैं सूखी मसाला भिंडी बनाने के लिए मिर्ची, लहसुन, जीरा और पीली सरसों ले ली हूँ। उसे हम पीस के मिक्सर ग्राइंडर में पीस के पेस्ट बना लेंगे। और मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया, वो गर्म भी हो गया है। और उसे मैंने भिंडी डाल दिया और भिंडी को कुछ कुछ देर ढक ढक के उसे सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। और थोड़ा सा नमक भी मैंने भिंडी में दे दिया। भिंडी फ्राई हो चुका है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और डाल दिया है, उसे मैंने पचफोरन डाला है और उसमें थोड़ा सा कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। और उसे थोड़ा सा भून लेंगे। और जो मसाला मैंने तैयार किया था उसी में मैं मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर मिला लूँगी। वो मिर्ची, सरसों, लहसुन और जीरा मसाला, और मैं वो मिला के मैं कढ़ाई में डाल दूँगी उस मसाले को। थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे और अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे मसाला को। देखिए मसाला भुन गया है और उसी में हम जब फ्राई किया हुआ भिंडी था उसको मिला लेंगे। और इसे पानी नहीं देंगे, ये ऐसे ही पक जाएगा। देखिए तैयार हो गया, कितनी सुंदर लग रही है ना, टेस्टी। तो आज के लंच में यही था हमारा, भिंडी की सब्ज़ी और आलू पोस्तो और अरहर का दाल। तो यही है आज हमारा लंच और चावल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी बारिश के कारण तो बहुत परेशानी बढ़ गई है, हर जगह बारिश ही बारिश है। आप लोग के यहाँ भी बारिश हो ही रही होगी, तो सब जगह बारिश का ही अभी है समय। और बारिश के कारण परेशानियाँ बहुत बढ़ गई हैं, बारिश छूटने का नाम ही नहीं लेता है। थोड़ी देर के लिए छूटता है फिर होने लगता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो कपड़े सूखने में हो गई है, सूखता ही नहीं है कपड़ा। कल का धोया हुआ कपड़ा भी वैसे ही है, गीला ही है, और आज का धोया हुआ कपड़ा तो फिर हो ही गया। पूरा घर में कपड़ा ही कपड़ा लगता है, धोबी घाट खुल गई है घर में। आप लोगों को भी इसी दिक्कत होती होगी, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे घर में कैसे मैंने कपड़ा को पूरे घर में फैला के रखा हुआ है सूखने के लिए। बहुत बुरा हाल है, मतलब बहुत बुरा हाल है। एक रूम में पूरा कपड़ा ही कपड़ा दे दिए हैं और पंखा चला दिए हूँ ताकि वो सूख जाए, लेकिन वो पंखा का चूल्हा सूखा हुआ कपड़ा एक अच्छा नहीं लगता है, अजीब सा स्मेल रह जाता है और अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, कोई उपाय भी नहीं है, वैसे ही सूखाना होगा। वो भी नहीं सूखता है, एक दिन में 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं कपड़े सूखने में। बरांडा में भी पूरा कपड़ा टंगा हुआ, मैंने एक यहाँ पर रस्सी टांगी हुई है और ये देखिए पूरा कपड़ा ही कपड़ा है चारों तरफ। इस घर की भी कुछ ऐसी ही हालत है, ये देखिए चारों तरफ कपड़े ही कपड़े। बस उस रूम में मैंने कपड़ा नहीं रखा है कि एक रूम तो रहना चाहिए ना, कोई आया तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इसी रूम में सारे कपड़े दे दिए, कुछ बरंडा में दे दिया कपड़ा ताकि वो सूख। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये देखिए बच्चे इस रूम में क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं ये लोग, कार्टून देख रही है। अच्छा कार्टून देख रहे हैं ये लोग, सीरियल नहीं देख रहे हैं, मुझे लगा शायद सीरियल देख रहे होंगे। तो यही है, तो अभी खाना पीना नहीं हुआ है, बस खाना बना के रख दिया हूँ, अब थोड़ी देर में खाना खाऊंगी।
बस अभी थोड़ा देर मैं भी टीवी देख लेती हूँ, थक गई हूँ काम करते करते, थोड़ी देर बाद खाऊंगी खाना। यहाँ बालों में सीरम लगवा रही हूँ, बड़ी वाली बेटी ने बालों में सीरम लगा रही है, छोटी वाली के बालों में तेल लगा रही हूँ। सबको मैंने कहा खाना खाने, सभी ने कहा कि अभी उन्हें भूख नहीं है, कुछ देर बाद खाएंगे। तो मैं बोले चलो तो तलब एक काम कर लेते हैं, अपने बालों में सीरम ही लगा दो तुम मेरा, और छोटी वाली को तेल लगा दे रही थी। तो यही सब चल रहा था, और थोड़ी देर में खाना खा लेंगे हम लोग। तो ये देखिए आज ये है हमारा आज का लंच, दाल चावल आलू पोस्तो भिंडी मसाला और अचार और पापड़। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में बताइए कि आप लोगों का मेरा आज का लंच कैसा लगा। मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।